देखना, एक बार सतयुग में राजा सगड़ हुए, जो एक चकवा थे, और चकवा वो होता है जिसका पूरे भूमंडल पर राज रहा हो। इस हिंदुस्तान में 6 चकवे हुए। पहला चकवा चकवे बैन मान दाता, दूसरा चकवा राजा सीवी जिसने कबूतर के बदले में अपना मांस दिया था, तीसरा चकवा राजा नहुस जिसने सप्तऋषियों की पालकी की सवारी करी थी, चौथा चकवा राजा सगड़ जिसका 60,000 बेटे थे, और पांचवा चकवा राजा सगड़ का पोता अंशुमान, और छठा चकवा राजा सरियाती। तो राजा सगड़ एक चकवा था जिसका 60,000 बेटे हों, उसका घमंड डटे को न्या, एक विश्व विजयी घोड़ा छोड़ा, तांबे के अक्षरों से लिखवा दिया कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसको हमारे साथ में युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो जड़े का यो घोड़ा घूमेगा, वह धरती मारी हो जाएगी, वो हमारे अधीन हो जाएगा। बताते हैं 8 रोज बीत जाते हैं, वो घोड़ा किसी ने नहीं पकड़ा। इंद्र भगवान की नजर पड़ी, मन में सोचा भाई नू तो धरती पर सगड़े सगड़ रहेगा। इंद्र भगवान ने पकड़ के वो घोड़ा, और कपिल मुनि तपस्या में बैठे, श्याम का टेम कपिल मुनि के आश्रम का बार बांध दिया। कपिल मुनि ने बेरायना के होण लाग रहा है। 2-4 रोज और गुजरे, वो घोड़ा वापिस नहीं पहुंचा, तो राजा सगड़ को बड़ी चिंता होगी। राजा सगड़ अपने बेटिया ने कहने लगा, अरे बैठे रही हो तो मुछा ना पनाई, वो घोड़ा तो किसी ने बांध लिया। बताते हैं पूरी पलटन फौज और उसके बेटे घोड़े की तलाश में गए, हर जाके देखा तो एक बाबा जी की कुटिया के बाहर वो घोड़ा बंद रहा। जाते ही नुबले रहे, इस मोटे की इतनी औकात, राजा सगड़ का घोड़ा बांध लिया, इन्हें जीना नहीं दिखता। कमर में लात मारी, कपिल मुनि की तपस्या भंग हो जाती है, और तपस्वी के क्रोध से वो सारी सेना भस्म हो जाती है। जब वो सेना भी वापिस नहीं पहुंची और घोड़ा भी नहीं उल्टा गया, तो सगड़ का पोता था अंशुमान, मैं टोके लाऊंगा, वो गया जाके देखा तो सेना भी भस्म। बताते अपनी प्रजा के लिए, अपने पूर्वजों के लिए मन में चिंता हो जाती है कि इनकी गति कैसे होगी, अब ये मर चुके। वहां अंशुमान के सामने गरुड़ भगवान प्रकट हो जाते हैं। गरुड़ भगवान ने मुक्ति का रास्ता बताया कि जितने भी तेरे पूर्वज मरे हैं उनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करो, इनकी गति तब होगी। बताते महाराज गंगा जी है कौन, अंशुमान को भी पता नहीं था गंगा क्या चीज है। गरुड़ ने रास्ता बताया कि देवताओं की नदी है, स्वर्ग लोक में बहती है। महाराज 60,000 की अस्थि उठा के मैं स्वर्ग लोक में जाऊं, मेरे में तो इतनी हिम्मत को ना, भाई गंगा जी मृत लोक में आवे। अब ये देखना, देवताओं की नदी जो स्वर्ग में बहती है वो गंगा जी मृत लोक में कैसे आवे। मतलब भक्ति करो, भजन करो, उसका जरूर आओगी। यहां बताते कि इस गंगा ने ल्यावन खातर बड़े बड़े ऋषि तप कर गए, साधु संत महात्मा योगी तप करते करते मर गए, और 32,000 साल तक पोते अंशुमान भी तप कर गए। गंगा जी को न्याय 32,000 साल में अंशुमान का पैदा हो गया प्रतापी दलीप नाम,
1000 साल तक गंगा लेने में वो कर गया काम और फिर पोते भागीरथ को सौंप मरिया इंतजाम। अपने पोते भागीरथ को कहा कि बेटा गंगा जी लेनी है, भजन में लागे रहो जब तक गंगा जी धरती पर ना आवे। बताते कि राजपाट छोड़ दिया करने लगे तप घोर, मृत लोक में गंगा जी आवे मन में ना थी चिंता और, अरे इस गंगा ने ल्यावन खातर लाया एडी चोटी जोर, पूरा जोर लगा दिया गंगा जी कोने आई। ये बताते हैं फिर महा जी आगे रे भागीरथ क्यों बैठा है, महाराज गंगा जी ने ल्याऊंगा। बोले रे बावड़ा गंगा जी आ भी गई तो इस धरती पर उठेगा कौन, उसकी एक धारा जलमग्न कर देगी सब कुछ डूब जाएगा। बोले महाराज के करूं, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होके मुंह मांगे दिया वरदान, मृत लोक में गंगा जी आ जाएगी उससे पहले कर शिव का मान और शिव के बिना इस धरती पर उठन आना बलवान। गंगा जी का ध्यान छोड़ दिया, शंकर भगवान का ध्यान कर लिया भागीरथ ने। और बताते हैं कि शंकर बोले आओ आओ धरती ऊपर उतरो गंग, गंगा थी गुमान भरी करने लगी सब को तंग। अरे एक बार तो ईसा लग गया जनो शंकर ने भी बहाले जा संग, शंकर भगवान भी कामण लगे थे, मूसलधार बरसन लगा। शिव शंकर ने डांटा गात, बिंदु सारी माले से गंग की लकड़ी धार साथ, तीन धार पश्चिम का नहीं तीन पूर्व का नहीं जात, एक धार बची जो भागीरथ के साथ इस मृत लोक में आई थी, लेकिन आने से पहले भगवान ब्रह्मा के सामने हाथ जोड़ के खड़ी होगी। महाराज मृत लोक में भेजो हो, वहां तो पापी बंदे हैं, मेरे भी दोस्त चढ़ावेंगे वहां। जतन बताते हैं ब्रह्मा भगवान आप मृत लोक में जाओ, दुखियों के कष्ट मिटाओ, आपका भी दोष उतारने के लिए सिद्ध महात्मा पैदा होंगे। पहली कली में गंगा मां को ब्रह्मा भगवान क्या कहते, पापी बंदे दोष चढ़ावेंगे ना के। ब्रह्मा बोले मत घबरावे, सबके कष्ट मिटा जाते और तेरा भी दोष उतारेंगे ये ऋषि महात्मा नाना के। तेरा भी दोष उतारेंगे ऋषि महात्मा नाना के। उस भागीरथ की करनी तो अपने घराले लकड़हारे से कहने लगे महाराज आपने बेरा ला क्या गंगा जी क्या है, अगर आपने अपनी माँ की मुक्ति करवानी है तो उनकी अस्थियों को लेकर के और गंगा जी में प्रवाहित करो। दूसरी कली में क्या समझाती है क्या कहती है, भस्म हुई चढ़के मेरी सास भस्म हुई चढ़के। पिया कौन सी धरणी है, फूल उठाओ चलो गंगा जी हृदय यही सुमरणी। दान करे बेने पार तरना रस्ते में बतरणी है, गंगा मैया इस दुनिया के जन्म पवित्र करनी है। ओ गंगे मैया इस दुनिया के जन्म पवित्र करनी है। अरे सास सुदेवता के तुल हो, अरे सास सुदेवता के तुल हो, तेरी मूरत जाई थी ये रात लोक में इंसानों की गति करने। ये भगवान
मेरा ही अनजान राहो का, मेरा ही अनजान राहो का, वो यारो मेरा नाम अनजाना, वो मेरा ही कहा करें लोगों के राज करनी है राजा ने तो घनी समाई चाहिए। राजा कैसे बनता है उसके कुछ नियम बताएं इस भजन में। एक सीढ़ी होती है, पहली सीढ़ी कौन सी है जिसके मन में क्या चीज होनी चाहिए वो राजा होता है। क्या क्या धर्म कर्म में हाथ ना चाहिए सत पिया, धर्म धर्म से नीति, नीति से राज तक तपिया, और चलो पिया जी गंगा जी चला लकड़िया जा से भक्त पिया, ओ चलो पिया गंगा जी चला लकड़िया जा से भक्त पिया, ओडे मेरे दर्शन हो जा गंगा जी नहाई, ओ इस ओडे मेरे दर्शन हो जा, इस ओडे मेरे दर्शन हो जा गंगा जी नहाई, ये रे मर्द लोक में इंसानों की गति करने ये रूप भगवान ज्योत से निकली गंगे आई थी, मर्द लोक में इंसानों की गति करने आई थी, असली जिंदगी इंसान के जाने के बाद होती है। जिस इंसान के जाने के बाद उसका नाम याद रखा जाता हो, उसके नाम का गुणगान किया जाता हो, असली जिंदगी वो है। जीते जीतो पशु पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, और नाम किसका याद रहता है जो धर्म कर्म में नीत रखता है, बच्चों को उचित मार्गदर्शन देता हो, संस्कार देता हो, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करता हो, जिसने जीवन जन सेवा में लगा दिया हो वो अमर हो जाता है, मरता नहीं कभी। आखिरी कली में सब कष्ट मिटे, गुरु मान सिंह सब कष्ट मिटे, ईश्वर के गुण गाए से लक्ष्मी चंद पाप धोए जा, श्री गंगा जी में नहाए से, जोड़ जोड़ धन धरे जमी में वो जाके चले जमाने से, पिया जी गंगा जी चले ये दर्शन इसी बहाने से, चलो पिया जी गंगा जी चले ये दर्शन इसी बहाने से, ये सतु मन महात्मा कहते, सतु मन महात्मा कहते, ये दुख की धर्म दवाई, ये रे मर्त्य लोक में इंसानों की गति करने आई।